गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के अंदर जाते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से देखते हैं हेडलाइंस। डीएम ने एम्स स्थापना की प्रगति की समीक्षा। गन्ना शोध संस्थान के बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण करने के साथ पिपराइच चीनी मिल परिसर में 7 अप्रैल तक शोध संस्थान के शिफ्टिंग के लिए दिए निर्देश। जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने शुक्रवार को जिले के 3 गेहूं क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण। मीरपुर के केंद्र प्रभारी को किया निलंबित। बिजली विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव हुआ स्थगित। विद्युत कर्मचारी हुए गदगद। मुख्यमंत्री के चित्र को मिठाई खिलाकर दिया कोटि कोटि धन्यवाद। धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह के 4 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। सीओ कैंट ने किया खुलासा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। अनुसूचित जाति और जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज के सभागार में बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु सेमिनार का किया गया आयोजन। जिला उपभोक्ता वाद विवाद प्रतिकोष फोरम के चेयरमैन के सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला सूचना कार्यालय के सिनेमा ऑपरेटर कृष्ण मोहन सिंह सैनी के भाई का हुआ निधन। शोक सभा करके दी गई श्रद्धांजलि। जिला कुष्ठ आश्रम का डीएम के विजयन पांडे ने किया निरीक्षण। सीएमओ को दिया व्यवस्था सुधारने का निर्देश। और छात्र छात्राओं के कैरियर में सफलता हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज में किया गया सेमिनार। अब खबरें विस्तार से। एम्स स्थापना के प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि गोरखपुर में एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कूड़ाघाट स्थित गन्ना शोध केंद्र की संपूर्ण भूमि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है। डीएम ने शोध केंद्र में भूमि पर स्थापित सभी भवनों को ध्वस्तीकरण करने के लिए अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड को निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग ध्वस्तीकरण करके और स्क्रैप निस्तारण का कार्य 15 दिनों के अंदर पूरा करा ले। उल्लेखनीय है कि इसकी भूमि पर गन्ना विभाग का गन्ना शोध केंद्र, गन्ना प्रशिक्षण केंद्र सहित कुल 11 भवन हैं, जिसमें लगभग 50 कमरे, 2 हॉल और 1 प्रशासनिक भवन भी है। इसमें कृषि विभाग का कृषि रक्षा इकाई, मृदा प्रशिक्षण, बीज भंडार एवं मृदा सर्वेक्षण कार्यालय भी है। ये सभी भवन खाली हो गए हैं। गन्ना शोध केंद्र पिपराइच में जीएस आवास में शिफ्ट होना है, जबकि जीएम आवास पिपराइच चीनी मिल के कुछ कमरों में ताला बंद होने के कारण पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर राहुल पांडे को यह जिम्मेदारी सौंपी है। 7 अप्रैल तक शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश को निर्देश दिया है कि वे विभागीय समन्वयक बनाकर एम्स की स्थापना में तेजी लाएं। दो बड़ा हाल है इसका, है ये ना ना हुआ ये डेमोलिश क्यों नहीं हुआ सर? वो डेमोलिश वो संस्थान की बिल्डिंग है सर। वो किसका? गन्ना किसान संस्थान की बिल्डिंग। गन्ना गन्ना आयुक्त कार्यालय लिखा है, कार्यालय ऐसा नहीं, बिल्डिंग वो जो था। हाँ, गन्ना किसान संस्थान। संस्थान कहाँ है? इसके लिए सर पढ़ू सर ध्वस्तीकरण के विषय में आप कैसा से ना मैं मैं डेमोलिश करने वाला हूँ। आप पत्रचार करते रहो, आज से तोड़ना शुरू कर देता हूँ। मेरा बहुत ऑप्शन नहीं बचा है, तोड़ दूंगा तो बाकी तुम करते रहो। उस पर जो नुकसान होता तो तुम्हें झेलना होगा। तुम्हें कितने अवसर देना तो दे चुका हूँ। आगे आपको पत्रचार के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारा पत्रचार किसके पास पेंडिंग है?
डायरेक्टर साहब के पास नहीं, कानून सचिव गन्ना विकास धूस रेड्डी साहब के पास कब गई है तुम्हारी चिट्ठी? निकाल निदेशक से बात कर रहा हूँ, राहुल सचिव से बात करना कि निदेशक से बात कर रहा हूँ। आप पे सबसे ज्यादा ये गन्ना कई जगह चल रहा है, तो वो है ना राकेश मिश्रा है जी सर, वो मेरा वीडियो रहा सीडियो रहा, राकेश से बात कर लेता हूँ। सीनियर एक कोई है जी सर, दोनों आपके ही है नहीं, तो आपकी टोटल बिल्डिंग कितने डेमोलिश होना है? एक डबल स्टोरी 18 कमरा है, दो बड़ा हॉल, एक मंजिल का 7 कमरा है, एक लाइब्रेरी, एक प्रशिक्षण केंद्र, कितने होना है? गन्ना प्रशिक्षण संस्थान में बस इतने ही दिया हुआ है, गेस्ट हाउस का एक मंजिल का 7 कमरे हैं, एक लाइब्रेरी, एक प्रशिक्षण कक्ष, इसके अलावा भी है कुछ सर? क्या है एक मंजिल होने वाले में तो छात्रावास 2 मंजिल मंजिले के 40 कमरा, एक बड़ा हॉल, गन्ना किसान संस्था जब 11 टाइप की बिल्डिंग है बस इतने ही डबल होना है, पार्ट बी वाले पार्ट बी और पार्ट सी भी हो सकते हैं। ये सर गन्ना सूप केंद्र अलग ही होगा उसके लिए, गन्ना सूप केंद्र से कौन है आपके क्या हुआ सर? रूम राज्य चीनी निगम ना केवल सामान शिफ्ट करने के बाद आप तोड़ देंगे सर? तोड़ने के लिए तो निदेशक महोदय से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका निदेशक कौन है? तो जमीन के छोड़ के भवन तो क्लियर हो गया आपका सर? भवन में ही अभी राज्य चीनी निगम के प्राइस की जो यूनिट है उन्होंने कमरा नहीं खोला। अरे कमरा हम खुलवा देंगे, राजी खुलवा देंगे, तुम्हारा ताला तोड़ के हम खुलवा देंगे, मेरा बस आपसे तुम लोग तमाशा करते रहोगे तो थोड़ी सब कमरे खुल जाएंगे तो हम 2 दिन में वहाँ शिफ्ट करेंगे। कब तोड़ोगे कब उसका शिफ्टिंग? तो ठीक है मेहमान को तुम्हारा 2 दिन में हो जाएगा, कब तोड़ोगे उसका?
हमारा जमीन उसके बाद आपको कोई राइट्स रह नहीं गया है, भवन सहित गया है, मैं तो दुर्घटना शुरू कर देता हूँ। मेरा मतलब आपसे जो सामान तुम लेके जाना तो जाओ, उससे गया तो गया, ताकि वो भूलिया में तुम्हारा सामान के साथ सामान बचा रहे तो आप जाके बचाओ। दो दिन का नहीं है, उसके अलावा मैंने वहाँ सर अगर जाके खोल दो, कहाँ है कौन नहीं बुलवाना तुम्हारा, वही सर राज्य चीनी निगम कॉर्पोरेशन वाले। हाँ अब इसके किसी नए मतलब फैसला को भेज दो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, जो थोड़ के ताला तोड़ के मंत्री बना लो, मंत्री बना करके रख लो, उनके कब्जा दे दो। आज अगर एसडीएम साहब देंगे तुम जाकर के खाली करो, कल से मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। ये आपको बहुत अधिक हाई लिफ्ट होने के कारण दो बार टेंडर निकाला गया, कोई टेंडर आया नहीं, दोबारा मुख्यालय को लिखा गया इसी में कहा उभर जो मुख्यालय में पड़ा है प्रमुख सचिव के पास है। अपने मर्जी से खोलने में तो ठीक है, पर चिंता पकड़ा नहीं है। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने शुक्रवार को जिले में 3 गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। कार्यों में लापरवाही पर डीएम ने जंगल कौड़िया के मीरपुर साधन सहकारी समिति के केंद्र प्रभारी एवं सचिव केशव यादव को निलंबित करने का निर्देश दिया है और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के महेंद्र त्रिपाठी को चेतावनी दिया है। मीरपुर केंद्र के निरीक्षण में जिलाधिकारी ने पाया कि खरीद शुरू होने के 5 दिन के बाद भी बैंक में खाता नहीं खुला है, क्रय केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक काटा तथा झरना उपलब्ध नहीं है, कोई किसान केंद्र पर नहीं आया और गेहूं खरीदने की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दूसरे केंद्र प्रभारी की तैनाती का निर्देश दिया है। इसके पूर्व उन्होंने अहिरौली गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, यहां 1224 कुंटल गेहूं खरीदा गया परंतु सभी बोरे खुले में पड़े हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गाड़ी मंगाकर सीधे एफसीआई के गोदामों में पहुंचाएं। जिलाधिकारी ने जंगल कौड़िया के उत्तरासोत यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण भी किया, यहां 2250 कुंटल गेहूं खरीदा गया है और यहां खरीदा गेहूं ट्रक पर लादा भी जा रहा है। केंद्र प्रभारी आनंद मौर्य के बारे में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कराकर सहजनवा गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिले के सभी 124 क्रय केंद्र चालू करें, इसके लिए प्रभारी सभी केंद्रों का निरीक्षण करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कहा कि अतवार को लोडिंग करें, कर देंगे अतवार तो बदमाशी क्या कर रहे हैं आप बताओ, इसकी लोड कराओ गाड़ी में आके। ठीक सर, यहाँ से जगह बनेगी अभी तो फिर होगी। जी सर, जगह नहीं है तो पूरा बड़ा होता है। जी सर, ये सिला लिया तो जी सर, सिलाई हो गया सर, सिलाई हो गया सर। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और समस्त सदस्यों ने जैसे ही सुना कि प्रदेश सरकार ने विद्युत के निजीकरण का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है, खुशी के मारे फूले नहीं समाये और शुक्रवार को विद्युत उपकेंद्र मोहद्दीपुर प्रदर्शन स्थल पर समिति के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस प्रस्ताव का कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनके तस्वीर को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। संघर्ष समिति के सभी सदस्य प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठा हुए और समिति की महिला सदस्य ने सभी सदस्यों को टीका लगाकर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने लखनऊ समेत 7 जिलों में निजीकरण का प्रस्ताव लिया था, निजीकरण के टेंडर भी हो गए थे। बिजली के निजीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मियों द्वारा जबरदस्त आंदोलन भी किया जा रहा था। आंदोलन के 17वें दिन प्रदेश सरकार ने विद्युत के निजीकरण के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। कि लखनऊ के संघर्ष है वो जीत हुई है, ये गुड़ पूरे नदी ने दिया है कि संघर्ष चाहे छोटे छोटे छोटा करे या बड़ा करे, अगर संघर्ष मन से किया जाए तो जीत पक्की होगी। गोरखपुर के मुख्यमंत्री ने सिद्ध कर दिया
भाइयों, हमारे मुख्यमंत्री जी का इस सभा के स्थल के माध्यम से उनको तौर पर धन्यवाद। तीन दिन पहले ये सच्चाई सबको जान लेनी चाहिए, बिना उसके इसका सर्वाइवल है नहीं। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मगर इससे भी अच्छा करने की जरूरत है। और उसके लिए मैं चाहूंगा सबसे कि ज्यादा से ज्यादा जब आज किसको जो रुका, जो एग्जाम्पल है, जब बढ़ गया तब रुक गया, और वही एग्जाम्पल यहाँ भी क्रिएट होना चाहिए कि गोरखपुर का इतना जो 5.5-6 रुपया जा रहा है सरकारी, अगर मिला लिया जाए तो 6.5 रुपये का जो रेट है। मैं चाहता हूँ चाहे ग्रामीण सेक्टर में भी, गोरखपुर का बहुत अच्छा है। आज आप आजमगढ़ चले जाइए, 45 पैसा 50 पैसा है, गोरखपुर 1.5 रुपये में चल रहा है। फिर भी मैं चाहता हूँ, गवर्नमेंट चाहती है 2.25-2 रुपये का है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब लोग लगे और इसको अपने जो हमारे सेंट्रल नेता है, सरकार की अपेक्षा है, सबकी अपेक्षाओं की पूर्ति करें। धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधीक्षण अभियंता ग्रामीण गोरखपुर इंजीनियर ए.के. श्रीवास्तव, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सचिव ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी और सदस्य कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया। खुशी हमें बहुत अपार है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे शहर से है, गोरखपुर से है, हम लोग की आवाज़ को प्रदेश सरकार की तक ले गए और एक लोकहित में, जनहित में जो एक फैसला होना चाहिए था, जो उनका शुरू से संघर्ष रहा है जनता के बीच में, जनता की बात रखते आए हैं, किसी के भी खिलाफ जाके उन्होंने एक बार फिर साबित किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि वो जनता के साथ है, कोई भी गलत फैसला होगा तो उसको बदलने में तनिक भी हिचक नहीं करेंगे। इसके लिए इस मंच के माध्यम से हम सभी कर्मचारी गण उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी को मिठाई खिलाया क्या? हाँ, मुख्यमंत्री जी को भी हमने, क्योंकि हमारे बीच यहाँ पे नहीं है, हम तो अगर आज हमारे बीच होते तो हमको ले आकर स्वयं खिलाते, लेकिन उनके फोटो पे हमने मिठाई खिला के उन्हें अपनी खुशी में उनको अपने साथ शामिल करने की कोशिश की है। देखिए 17 दिन में बहुत खुशी की बात है, हमारे कर्मचारी बहुत उत्साह है कि 17 दिन जो हमने आंदोलन चलाया बिना उपभोक्ताओं की कोई व्यवस्था तोड़े हुए, आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारा आंदोलन सफल हुआ। इससे बड़ा क्या खुशी पूछ ले सकती है। मैं इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि हम आंदोलन को देखते ही उन्होंने जिन कैबिनेट के निर्णय था वापस लिया। आज सबको बधाई दिया जा रहा है, सभी कर्मचारियों को बधाई ली जा रही है, सभी कर्मचारी उत्साहपूर्वक जो 17 दिन इस आंदोलन को किए। जो भी सरकार की मंशा है 24 घंटा बिजली, 18 घंटा रूरल मिल, हम लोग खड़े उतरेंगे और अपने उत्साह से काम करेंगे। इस आंदोलन को सफल होने के लिए मैं अपनी संयुक्त संघर्ष समिति पूरे उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने पूरी एकजुटता दिखाई, और इसके लिए मैं माननीय अपने मंत्रिमंडल और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि कमेटी गठित की जाएगी, फिर उसके बारे में विश्लेषण होगा कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, जो कि कल मीटिंग में तय हुआ था कि कैसे सुधारा जा सकता है, वो हम काम करेंगे, और उसके बाद भी नहीं सुधरता तो सरकार इसको जहाँ चाहे वहाँ दे दे, मगर हम लोग को मौका दिया जाए, अगर हम लोग उसमें असफल होते तब ये सरकार जो चाहे करे, मगर हमें मौका तो दिया जाए, यही हमारी शुरू से डिमांड थे। इसको माननीय हमारे मंत्रिमंडल ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोन पर धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।
पूरी घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट अभिषेक सिंह ने बताया कि होराबार थाने के सहनाहा गांव के निवासी व्यापारी रामानंद कनौजिया को बदमाशों ने झोपड़ी में सोते समय उठा ले गए और बांध पर ले जाकर उससे 1500 रुपए की लूट की और 2,00,000 रुपए की रंगदारी मांगने लगे, जिसके लिए बदमाशों ने नियत स्थान पर पैसे पहुंचाने को कहा था और वहां लाल रंग का झंडा गाड़ कर जगह की निशानदेही भी कर दी थी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से चारों बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आ गए। पकड़े गए अभियुक्तों में खोराबार थाना क्षेत्र के अशफाक उर्फ सोनू, सोएब अहमद, नईम सिद्दीकी और राजघाट थाना का राम बाबू वर्मा शामिल थे। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट अभिषेक सिंह ने कहा, छह 3 18 को रामानंद थाने के सलाह गांव के रहने वाले हैं। तो इन्होंने सूचना दिया था कि चार लड़के आए थे और मड़ई में क्या कहते हैं कि हम सोए हुए थे, तो हमको उठा के ले गए, हमको मारे पीटे और धमकी दिए कि अमुक तिथि पे 2,00,000 रुपए एक नियत स्थान पे अगर आपने नहीं रखे तो आपके बच्चे को हम जान से मार देंगे। कुछ जो तिथि इन्होंने निर्धारित की थी उस तिथि को इन्होंने लाल झंडे भी गाड़े थे वहाँ पे, क्योंकि वो आए नहीं, पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि आए ये लोग नहीं वो पैसे लेने के लिए, तो उन्होंने FIR दर्ज कराया था। SHO खोराबार ने काफ़ी प्रयास के बाद इन चारों लड़कों को पकड़ा जिन्होंने धमकी दिया था और पैसे मांगे थे और उससे 1500 रुपये की लूट की थी, जिस दिन लड़के ये जो चारों लड़के उनको उठा के मड़ई से ले जा के मारे थे। चारों लड़कों पर इन्होंने पहले भी एक घटना की थी जिन्होंने स्वीकार किया है, जिसका मतलब कि वो FIR दर्ज नहीं है। पैसा के जिन्होंने मेरी कल इनसे वार्ता हुई थी बता रहे थे कि क्या कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये सूद का काम करता है, इसके पास काफ़ी पैसा है और ये पैसा क्या कहते हैं कि इसे लिया जा सकता है। तो इनमें से जो एक लड़का है ये सोएब, इसने इसका प्लान किया कि पैसे क्या कहते हैं कि इनसे लेके और आपस में हम लोग बांट के बाहर चला जाएगा। इसके पहले भी किसी घटना में शामिल है, संलिप्त है? FIR दर्ज नहीं है उसकी, ये घटना ही उन्होंने किया है, स्वीकार किया, उसकी FIR दर्ज। चलिए ब्रेक में जाने से पहले जल्दी जल्दी दोबारा नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। DM ने एम्स स्थापना की प्रगति की समीक्षा, गन्ना शोध संस्थान के बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण करने के साथ पिपराइच चीनी मिल परिसर में 7 अप्रैल तक शोध संस्थान के शिफ्टिंग के लिए दिए निर्देश। जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने शुक्रवार को जिले के 3 गेहूं क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, मीरपुर के केंद्र प्रभारी को किया निलंबित। बिजली विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव हुआ स्थगित, विद्युत कर्मचारी हुए गदगद, मुख्यमंत्री के चित्र को मिठाई खिलाकर दिया कोटि कोटि धन्यवाद। धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह के 4 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे, सीओ कैंट ने किया खुलासा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। अनुसूचित जाति और जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज के सभागार में बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु सेमिनार का किया गया आयोजन। जिला उपभोक्ता वाद विवाद प्रतिकोष फोरम के चेयरमैन के सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला सूचना कार्यालय के सिनेमा ऑपरेटर कृष्ण मोहन सिंह सैनी के भाई का हुआ निधन, शोक सभा करके दी गई श्रद्धांजलि। जिला कुष्ठ आश्रम का DM के विजयन पांडेन ने किया निरीक्षण, CMO को दिया व्यवस्था सुधारने का निर्देश। और छात्र छात्राओं के कैरियर में सफलता हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज में किया गया सेमिनार।
हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मालवीय नगर मंडल के द्वारा महोदीपुर में एक मैरिज हॉल में बूथ स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर सभी पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश यादव और क्षेत्रीय प्रवक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा। अतिथियों का स्वागत अभिनंदन है। हम सभी अतिथियों से निवेदन करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चित्र पर पुष्पांजलि कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। भारत वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अध्यक्षता कर रहे महानगर अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करते करते आज यहाँ तक पहुँचा दिया कि सारा देश एक हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत होने की कगार पर है, लगभग हो चुका है। कहीं ऐसा न हो कि 19 में आ जाए नरेंद्र मोदी द्वारा तो राजनीतिक दलों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। इस उद्देश्य से लोग काम कर रहे हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जहां देश आज बटने को कटने को तैयार है, किस प्रकार से कश्मीर पाकिस्तान की राह अलाप रहा है, सारे देश वहां पर पत्थरबाजों को समर्थन कर रहे हैं। सब स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं अपने नेता माननीय विनोद पांडे जी, माननीय उपेंद्र प्रसाद जी को हम सब सुनेंगे। मैं दो बातें आपसे अनुरोध करते हुए, हर राजनीतिक दल का क्या है कि स्थापना का कोई उद्देश्य होता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में देव ह्यूम ने जब किया था तो उस समय अंग्रेजों के शासन को संरक्षण मिला, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। आज़ादी के बाद भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक दलों का केवल एक ही उद्देश्य है और जनरल सामान्य लोगों में भी ये बात होती है, राजनीतिक दल का उद्देश्य है चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ करके सत्ता प्राप्त करना। लेकिन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य करता ही नहीं है केवल चुनाव लड़ करके सत्ता प्राप्त करना, ये उद्देश्य नहीं है। जिन मूल्यों और आदर्शों को लेकर के पार्टी की स्थापना हुई, मैं एक दो मिनट में उसको उसके इतिहास को रखते हुए, क्योंकि किसी भी पार्टी और संगठन की विचारधारा के इतिहास को ये हम सब कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए। मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता कि 1947 के पहले का भारत कैसा था, कितने लोगों ने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों ने इस देश में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, इस भारत माता के लिए अपनी सर्वस्व कुर्बानी दी। मैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 1944 के संदर्भों को छोड़ते हुए 44 के बाद का भारत, जो पूरा भारत जब
इन चार नेताओं के ऊपर आश्रित हो गया था। पूरे भारत में जो भी बातें होती थी वो तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू के ऊपर। 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद देश में इस बात की सुबगाहट होने लगी कि देश का विभाजन होगा। अंग्रेज इस बात के लिए कई खंडों में भारत को बांटना चाहते थे। फूट मची थी देश में, जगह जगह से लोग पूछ रहे थे कि क्या होने वाला है। तो पहली बार सार्वजनिक तौर पर महात्मा गांधी जी के प्रति लोगों में आगाध श्रद्धा थी। महात्मा गांधी जी ने देश में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। विभाजन में जो हिस्सा पाकिस्तान में गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है, पश्चिमी पाकिस्तान, वहाँ दोनों में जब नेहरू और लियाकत का समझौता हुआ, समझौते में तय हुआ कि दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी, उनके जाने लगी, कत्लेआम होने लगे। पुष्पांजलि अर्पित की है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में, उद्योग मंत्री थे। पूरा देश मौन था। नेहरू लियाकत के समझौते के आधार पर भारत को उसका पालन कर रहा था, भारत अल्पसंख्यकों को संरक्षण दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो चीजें नहीं थी। पूरा का पूरा बंगाल कत्लेआम कत्लखाना बन गया था। और पश्चिम बंगाल के अंदर जब इस चीजों की अति हो गई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निर्णय लिया। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक पूजनीय गुरु जी जो आध्यात्मिक पुरुष थे, उन्हें दिखाई दिया कि भारत की दुर्दशा बहुत होने वाली है। भारत में अन्याय और अत्याचार अब नहीं रुक रहा है, इसलिए एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो देश के अंदर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संसद के अंदर अपनी आवाज़ उठा सके और इस देश के लिए काम कर सके। उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस की और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से संपर्क साधा। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में पूजनीय गुरु जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बीच में वार्ता होती है और वार्ता के बाद तय होता है कि एक राजनीतिक दल बनाया जाए। और पूजनीय गुरु जी ने कहा, हम भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ प्रचारकों को आपको देंगे, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अब रिश्ता नहीं रहेगा, वो राजनीतिक दल में काम करेंगे, पार्टी के हितों के लिए काम करेंगे। और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह जी भंडारी और नानाजी देशमुख, कुशाभाव ठाकरे, ऐसे कई प्रचारकों को भेज करके एक राजनीतिक दल का गठन हुआ। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना ही उन्हीं मूल्यों और आदर्शों को लेकर के हुई थी, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं हुई थी, इस देश की एकता और अखंडता के सवाल पर हुई थी। और 1952 में आप सबको ध्यान में जब पहला चुनाव हुआ, डॉक्टर मुखर्जी जी के नेतृत्व में दो सांसद चुनते गए, उन्हें 38 सांसदों ने विपक्ष का नेता चुना था। बहुत ही प्रभावशाली नेतृत्व था। पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर में अगर कोई माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जाए तो उसे परमिट लेना पड़ता था। भारत के लोग जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे, परमिट सिस्टम लागू हो गया था। पूरे देश के अंदर डॉक्टर साहब, वहाँ के जो राज्यपाल थे उन्हें राष्ट्रपति कहा जाता था, वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत का तिरंगा झंडा लगता था और जम्मू कश्मीर का एक झंडा लगता था। पूरे देश में एक देश दो विधान दो निशान के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में। आंदोलन विराट रूप लिया और आप सबको पता है कि एक बड़ी संख्या में पठानकोट होते हुए जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं और बॉर्डर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने कहा कि आप भारत में जाइए, लोगों को बताइए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट सिस्टम को तोड़ दिया है। 45 दिनों तक शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, 45 दिनों तक जेल में रहे और जेल के अंदर उनकी हत्या करा दी गई। शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक हरि शरण गौतम के नेतृत्व में एक रैली नगर निगम से कलेक्ट्रेट चौक से गोलघर होते हुए अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक से जिला अधिकारी कार्यालय पर जाकर समाप्त हो गई। रैली में भारी संख्या में महिला और पार्टी के सदस्य मौजूद रहे। रैली में किसी भी प्रकार की कोई हिंसात्मक घटना ना हो जाए इसके लिए पुलिस बल भी मुस्तैद रही।
गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्य प्रदीप कुमार ने कहा, चप्पा चप्पा गूंजेगा, बाबा तेरा मिस्टर नदूरा हम सब मिलकर आज के जुलूस उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में निकाला जा रहा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निष्प्रभावी बनाने, न्यायपालिका में दलितों को प्रतिनिधित्व न दिए जाने, पदोन्नति में आरक्षण लागू न करने, दलितों के साथ अत्याचार किए जाने आदि के बिंदुओं पर ज्ञापन। नहीं, मामला वापस नहीं आया है अभी जो हम लोगों का मांग ये है कि हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, इसके अलावा भी दहेज उत्पीड़न का मामला होता है, बलात्कार का मामला होता है, महिलाओं केस का मामला होता है, यदि सबको साथ में इन प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया होता तो हमारे संयुक्त मोर्चा के तहत शायद ये प्रयास न होता। लेकिन सिर्फ SC ST को टारगेट बना के जो उनको कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी दलितों के ऊपर तमाम अत्याचार होते हैं, तो इसलिए पूरे हिंदुस्तान के दलित वर्ग इससे काफ़ी नाराज हैं, सब में रोष है और हम इसका विरोध करते हैं। शुक्रवार को जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन वकीलों के द्वारा किया गया और कमिश्नर को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा गया। वकीलों की मांग है कि गत 40 वर्षों से अधिक समय से SDM जिला मुख्यालय पर सप्ताह में एक दिन आकर नए कार्य का संपादन कर रहे हैं, इस समस्त व्यवस्था को समाप्त करने का कुचक्र किया जाने सहित कई मांगों को लेकर 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक न्यायिक कार्य से अधिवक्ता गण विरत रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपने के बाद अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा, हम लोगों का आंदोलन इस बात पर है कि जिले मुख्यालय पर जो है विगत 40-45 वर्षों से जो है समस्त उपजिलाधिकारी तहसील से आकर एक दिन बाद कार्यों के हित में मुकदमे की सुनवाई करते हैं। जिला मुख्यालय पर जो है अनुभवशील जो है अधिवक्ता उपलब्ध हैं, तमाम बादकारी शहर में मकान बनाकर रहते हैं, जटिल और पेचीदगी के मुकदमे के जो है पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है, यहाँ तक कि महाराजगंज जिला जब इससे संबद्ध था तो निचलोल तक के SDM यहाँ पर न्यायिक कार्य करते थे, 198 के मुकदमे में यहाँ पर जो है SPO पैरवी करते हैं राज्य सरकार से, जो तहसील मुख्यालय उपलब्ध नहीं रहते हैं। इन सभी मांगों को लेकर के हम लोगों ने जो है जिलाधिकारी DC ये इस सभी मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं। विगत जो है वर्ष में जो है कमीशन ने जो है एक आदेश जारी किया कि उप जिलाधिकारी महोदय को वापस किए जाने पर जो है जिलाधिकारी विचार किए, हम लोग उसी जो है निर्णय के विरुद्ध जो है आंदोलित है। जिलाधिकारी और कमिश्नर महोदय से मिलकर के हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन देकर के यह जो है मांग किया कि उप जिलाधिकारी महोदय को जो वापस करने की कार्रवाई आपके स्तर से चल रही है, तत्काल उसे वापस करें, वह बादकारी हितों के प्रतिकूल है। लेकिन उन्होंने अभी तक जो है 3 दिन बीत गया, कोई सकारात्मक उन्होंने हल अभी नहीं निकाला, जिससे अधिवक्ता गण ने जो है कल मीटिंग किया
और उनसे निर्णय लिया गया है कि जब तक जो है उप जिलाधिकारी की वापसी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग जो है इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हम लोग सरकार तक इस बात को ले जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, प्रमुख सचिव से मिलेंगे, मुख्य सचिव से मिलेंगे और यह जो है जो जनहित की नीतियों के विरुद्ध इन लोगों ने जो कार्य कर रहे हैं, असल की नीतियों को फेल करने के लिए यह जो है तरह तरह के जो है खंड शासन के नियमों के विरुद्ध, शासन की नीतियों के विरुद्ध करके जो है जनता को और अधिवक्ताओं को आक्रोशित कर रहे हैं। शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज में बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को प्रभावी रूप से उनके जीवन शैली में शामिल करना था। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित जानकारी के लिए ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय के मुख्य हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तृत जानकारी दिया और इस मौके पर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे राजीव अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक पीएन राय, प्रधानाचार्य रेलवे बालक इंटर कॉलेज के रावत सिंह, विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सेमिनार में स्वास्थ्य संबंधी सुझाव के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया, आज का विषय है संपूर्ण स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वच्छता। मैंने महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, शरीर की स्वच्छता ही विविधता है और यही स्वच्छता आपको संपूर्ण एवं समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा में बदल देती है। कैसे बदलते हैं मैं भी आपको बताता चलूंगा, लेकिन एक बात आप ध्यान लें, शारीरिक स्वच्छता का शारीरिक स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा भी है कि स्वच्छता ही विविधता है और यही शारीरिक स्वच्छता हमें संपूर्ण एवं समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने की कोशिश है। ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आगे बढ़ा। जो स्वास्थ्य या आरोग्य की परिभाषा थी वो थी हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। हिंदी में कहें तो चाहे मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णता स्वस्थ होना समस्या नहीं होना स्वास्थ्य की परिभाषा थी। ये परिभाषा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में दी, लेकिन आज से 500 साल पहले हमारे संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितनी बढ़िया बात कही, तो और नहीं।
इलेक्शन पर अगर आप सुबह उठ के मतदान करने जाते हैं और आपका पेट साफ हो जाता है तो ये मान के चलिए आपका शरीर का पाचन तंत्र अच्छे से काम कर रहा है और कहते हैं कि सारे के सारे लोग पाचन तंत्र की कमी से ही बचते हैं। पेट खराब होता है, गैस की बीमारी और सारी समस्याएं स्वास्थ्य को करने में प्रभावित करती है। इसलिए जब आप सुबह सोचे उठे और आज मतदान करने जाए आपका पेट साफ हो, हल्का महसूस करें, चेहरा को खुले हो, समझ लीजिए आपका पाचन तंत्र सही है। ठीक है, आपको व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है, चाहे योगाभ्यास कहेंगे चाहे व्यायाम कहेंगे। शरीर स्वच्छ रहेगा तो ज्यादा रहेगा तो दर्द नहीं रहेगा और खासकर कुछ जगह जैसे बगल है, कांख है, जो भगवान के इलाके हैं उनकी विशेष सफाई करिए और शरीर पोंछने के लिए जो भी तौलिया या कपड़ा इस्तेमाल करें वो किसी दूसरे के साथ शेयर न करें। अपना कपड़ा इस विद्यालय में जो सेमिनार का आयोजन किया गया है इसमें इंटर कॉलेज के छात्र और छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य के विषय में उनको बताया गया है कि मात्र शारीरिक स्वास्थ्य या रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और साथ में स्वस्थ पर्यावरण भी आवश्यक है। इसको कैसे उन्हें प्राप्त करना है, इसके क्या उपाय हैं, इसकी उन्हें जानकारी दी गई है। उन्हें योग और ध्यान की विधियों की महत्ता बताई गई है और स्वच्छता के संबंध में उनको अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने हैं या क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे उनकी निजी स्वच्छता बनी रहे और वो एक सेहतमंद जिंदगी जी सकें। भविष्य में और वर्तमान में भी उनका जीवन निरोग और कहना चाहिए कि निरोग रहे, निरोगी रहे, इसके हेतु उन्हें जो प्रयास करने हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेयरमैन विजय प्रकाश मिश्र के सेवानिवृत्त पर उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उन्हें माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह के साथ अंग वस्त्र भी भेंट किया। विदाई समारोह में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, अधिवक्ता ब्रज बिहारी लाल श्रीवास्तव सहित कई अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। अपने विदाई समारोह के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवानिवृत्त चेयरमैन विजय प्रकाश मिश्र ने कहा कि 2 वर्षों के कार्यकाल में सभी लोगों का पूरा सहयोग मिला। इस संदर्भ में उन्होंने आगे बताया। और मेंबर साहब का भी स्वागत है। हम लोग जानते हैं कि सर जी ने हमेशा करता है जो सरकार का अवसर सामने लगता है कि ये मेरा कार्यकाल नहीं बल्कि एक परिवार का कार्यकाल था और इस परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार के सभी सदस्यों द्वारा जो सहयोग दिया गया न्यायिक प्रक्रिया के अनुशासन ढंग से उसके निष्पादन का, जिसके कारण मुझे आज ये कहने में प्रसन्नता हो रही है कि लोगों को न्याय तो मिल जाता है लेकिन न्याय के फल को नहीं मिलता। न्याय का फल क्या है कि हमारे यहाँ लंबित जो इजरायवाद थे उन पर हमने ध्यान दिया, उसका कड़ाई से अनुपालन करवाया, टूल और टेक्निक्स एडाप्ट किए कि जिसके लिए इजरायकर्ता के को इजराय के फल का लाभ मिल सके। और ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने इस कार्यकाल में 2,65,00,000 रुपए से भी ऊपर पैसे की रिकवरी हुई और ये रिकवरी होकर के इजरायकर्ताओं को दिलाया गया। जहाँ तक सुलभ न्याय देने का प्रश्न था, हमारे मित्र अधिवक्तागण इन सब लोगों ने सक्रिय सहयोग करके प्रख्यात खिचड़ी मेले में, त्रिपुला देवी स्थान मेले में, रेलवे स्टेशन पर तथा जगह जगह पर ये अवेयरनेस कैंप लगा करके लोगों को जागरूक किए। उसका उदाहरण यह है कि हमारे यहाँ जितना मुकदमा फैसला होता है उससे अधिक मुकदमे
न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं, जिससे मुझे महसूस होता है कि लोगों का इस न्यायालय के प्रति और न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था बढ़ी। राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में राजस्व बकाए की वसूली, किसानों के फसलों की बीमा राहत वितरण सहित अन्य बिंदुओं की क्रमवार समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, एसडीएम गजेंद्र दिनेश, गौरव पंकज, अभिषेक गोयल, ज्योत्सना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स कवर करते हुए करेंगे। सीमा क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? एक हेक्टेयर के नीचे एक हेक्टेयर, एक दो हो गया, एक तो सीमांत किसान है, सबसे नीचे कौन है? सीमांत किसान का कितने होना चाहिए? कितने सीमांत किसान? 2 एकड़ से नीचे का सीमांत होता है। इसको भी तो कराना पड़ेगा, हमारा इसका माना कहाँ है? इसमें तो लघु सीमांत का नहीं है, उतना होगा मॉडर्न। लेकिन 2 हेक्टेयर के ऊपर तुम्हें मिला है कितने? 5 करोड़ 94 लाख 20 करोड़ में इसे आधा आधा मिला था, इतने मिला जो ठीक है। सीमा किसान का यह पहले सूची बना है, नीचे लघु किसान होते हैं, सीमा किसान होते हैं, एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में सर स्मॉल फार्मर्स होते हैं, छोटे फार्मर्स होते हैं। मुझे बजट भी ऐसे आया हुआ है, 20 करोड़ रुपये जनपद में मिला है छोटे किसान का, यानी 2 हेक्टेयर के नीचे वाले, केवल 5.5 करोड़ कुछ मिला है बड़े वाले किसान। उस हिसाब से आपको कराना होगा, ताकि सरकार का मन से ही छोटे किसान का सैचुरेट करा। आप ऐसे गांव टेकअप करो सैचुरेट हो जाए आपका बजट, ये थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और शासन देव जी है सर, ये सभी कल बैठक में सर, और शिक्षक की कल बाढ़ की बैठक है सर, आप वो आज से जो फसलों का नुकसान है। जिला सूचना कार्यालय के सिनेमा ऑपरेटर कृष्ण मोहन सिंह सैनी के बड़े भाई गुरमीत सिंह सैनी का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। सूचना कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ईश्वर से उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। शोक सभा में प्रभाकर तिवारी, प्रशांत श्रीवास्तव, अमरेश दीनानाथ चौधरी, प्रभुनाथ, मोहम्मद रफीक एवं पत्रकार गण उपस्थित रहे। जिला कुष्ठ आश्रम की व्यवस्था सुधारने के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने निर्देश दिया है। उन्होंने आज इसका औचक निरीक्षण किया। यहाँ कुल 19 कुष्ठ रोगी रहते हैं, जिसमें से 4 महिलाएं हैं। जिलाधिकारी ने उनसे उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि भोजन नाश्ता समय से मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर की उपलब्धता नहीं हो पाती है। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया है कि कुष्ठ आश्रम में आने के लिए डॉक्टर को नामित करें, डॉक्टर प्रत्येक सप्ताह यहां आएं और समुचित इलाज करें, सीएमओ इसके लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएं। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद अक्सर विद्यार्थी भ्रमित रहते हैं कि आगे की पढ़ाई किस विषय से करें, जिससे कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। इसी विषय पर छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को रेलवे बालक इंटर कॉलेज के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से आए विशेषज्ञ शोभित नारायण अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को अपने कैरियर में सफलता कैसे प्राप्त करें और व्यक्तित्व में कैसे सकारात्मक परिवर्तन लाएं, इस विषय पर चर्चा की, जिसे छात्र छात्राओं ने बड़ी उत्सुकता के साथ सुना। और इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस बाबत गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लखनऊ से आए विशेषज्ञ शोभित नारायण अग्रवाल ने बताया। अपने इंटरेस्ट को और अपने एप्टीट्यूड को आप पहचान पाएंगे, इसके लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो कि हम कराते हैं कंडक्ट।
पूरी रिपोर्ट बनाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये चार स्टेप्स में होता है। पहला होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको यहाँ पर बोलकर मैंने कई चीज़ें आपको बताई हैं जो कि ज़रूरी है उनके बारे में समझना। तो वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपके क्या एप्टीट्यूड है, लेकिन आपके वाकई में इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या है, किस फील्ड में है, वो मैं हम लोग एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं वो बात। दूसरा स्टेप अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क। वर्ल्ड ऑफ वर्क का मतलब होता है सारे करियर ऑप्शन। तो वो सारे करियर ऑप्शन की जानकारी हमारे पास इकट्ठा है, तो वो जानकारी भी हम आपको दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं। अब ये जानकारी आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं या फिर एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर के पास आकर अपना समय और टाइम बचा कर, अपने पैसे बचा कर आप हमारे पास भी आकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नहीं है या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आपको लगता है कि वो स्ट्रीम सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, या कोई भी कारण हो सकता है, बीमार हो गए थे, टाइम निकल गया, कुछ भी हो सकता है, और आप अपना साल खराब नहीं करना चाहते, एक साल दो साल अपना खराब नहीं करना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर थ्री को भी किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से अपने करियर प्रिपरेशन प्लान में इनकल्केट करेंगे, वो हम रिपोर्ट में बनाकर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये वन डे प्रोसेस होता है, जैसे सुबह से शाम तक बीच में हम आपको ऐसे देख लेंगे छोटे छोटे, तो ये वन डे का प्रॉपर पूरा पूरा प्रोसेस होता है। तो एक प्रोफेशनल तरीके से होता है, उसमें 75 मिनट्स के टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट के लिए आपको टेबल चेयर पे बैठना होगा, पेंसिल कवर शार्पनर रखना होगा, और जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट होता है उस तरीके से टेस्ट देना होगा। मैं आपको बहुत जल्दी तो इससे मैं आपको ताकि आपको वर्ल्ड ऑफ वर्क जो सेकंड स्टेप है उसकी पूरी नॉलेज आपको इससे मिलती है। जो स्टेप वन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वो हम इसके थ्रू कराते हैं, ये सब वर्कशीट आपको फिल कराते हैं। तो ये वर्कशीट फिल करने से एज एन एक्सपर्ट हमको आपके बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है उसकी एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, और फिर हम इसे चुनाव करने के लिए जो प्रभावित होते हैं वो अपने माता पिता से होते हैं। एक शोध हुआ था, एक अध्ययन हुआ था, उसमें ये निकला था कि 45% लोग अपने माता पिता से, तभी हम देखेंगे कि अगर बिजनेस मैन का बेटा है तो ज़्यादातर वो बिजनेस मैन बनता है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है, अकाउंटेंट का बेटा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, और इस तरह के समाज में बहुत से उदाहरण देते हैं देखते हैं। कारण ये होता है कि वो बच्चे अपने माता पिता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, सेकंड अपने दोस्तों से 25%, थर्ड अपने टीचर से 20%। हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, या वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो IIT की तैयारी कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं, वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो चलो हम भी मेडिकल की तैयारी करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये अध्ययन ने सारी चीज़ें बताई, लेकिन हमको समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही है। हमारे माता पिता जो हमको कहते हैं, हमारे दोस्त जो हमसे कहते हैं, हमारे टीचर्स जो हमसे कहते हैं, या अन्य लोग जो हमसे कुछ कहते हैं, वो उनमें से किसकी बात सही है हमारे लिए, वो हमको समझना होगा। तो करियर गाइडेंस है क्या, इन चार स्टेप्स को जो मैंने आपको समझाया है वो करियर गाइडेंस होता है। इसमें इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड तो मैंने आपको बताया है, हम लोग करियर बिलीफ को भी थोड़ा सा देखेंगे, और आगे हम इंटरेस्ट को देखते हैं थोड़ा सा लेकर। तो इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पैकेज होते हैं, आपको क्या पसंद है क्या आपको ना पसंद है, और वो सारी चीजें जहाँ पर आपको इंटरेस्ट होता है। अब ये देखिए, इनका इंटरेस्ट बहुत है आर्म फोर्सेस में जाने का, इस वजह से ही विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द आर्मी। तो इन सब बातों को बहुत ध्यान में रखना होगा। अब एप्टीट्यूड मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके टैलेंट होते हैं, आपकी कैपेबिलिटी होती है, वेरी गुड। मैटर्स दैट अ पर्सन वांट्स टू परस्यू फॉर द क्या है, हाँ
ये करियर काउंसलिंग के ऊपर सेमिनार हो रहा है क्योंकि बच्चों को ये बहुत असमंजस से रहता है कि वो 10th के बाद 12th के बाद कौन से सब्जेक्ट्स की नीट का चुनाव करें या वो ज़िंदगी में क्या बने, तो उसके लिए उनको कौन से कोर्सेज करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी चाहिए, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, फ़ीस क्या होती है, इन सारी बातों की उनको जानकारी देने के लिए हम लोग ये करियर काउंसलिंग सेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता है, बच्चों को ये दुविधा होती है कि मतलब कौन कौन से करियर ऑप्शंस उनके सामने ओपन हैं और जानकारी भी नहीं होती, तो हम लोग उनको ये सारी जानकारी इस करियर काउंसलिंग सेशन में प्रोवाइड करते हैं। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। डीएम ने एम्स स्थापना की प्रगति की समीक्षा, गन्ना शोध संस्थान के बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण करने के साथ पिपराइच चीनी मिल परिसर में 7 अप्रैल तक शोध संस्थान के शिफ्टिंग के लिए दिए निर्देश। जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने शुक्रवार को जिले के 3 गेहूं क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, मीरपुर के केंद्र प्रभारी को किया निलंबित। बिजली विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव हुआ स्थगित, विद्युत कर्मचारी हुए गदगद, मुख्यमंत्री के चित्र को मिठाई खिलाकर दिया कोटि कोटि धन्यवाद। धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह के 4 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे, सीओ कैंट ने किया खुलासा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। अनुसूचित जाति और जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज के सभागार में बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु सेमिनार का किया गया आयोजन। जिला उपभोक्ता वाद विवाद प्रतिकोष फोरम के चेयरमैन के सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला सूचना कार्यालय के सिनेमा ऑपरेटर कृष्ण मोहन सिंह सैनी के भाई का हुआ निधन, शोक सभा करके दी गई श्रद्धांजलि। जिला कुष्ठ आश्रम का डीएम के विजयन पांडे ने किया निरीक्षण, सीएमओ को दिया व्यवस्था सुधारने का निर्देश। और छात्र छात्राओं के कैरियर में सफलता हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज में किया गया सेमिनार। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो हमको दीजिए इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।